भाई साहब ये जरा नज़ारा देख लो, इतने साफ पत्थर है ना। और पूरा ये देखो, ये है नरसिंह। नरसिंह को तो आप हर कोई जानता होगा। और गाइस भाई साहब ये रहा घाट। और गाइस ये घाट देखो काफी प्यारा लग रहा है। तो भाई साहब गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे टू। और भाई साहब रात को मैं यहाँ रुका था। भाई साहब मैंने अभी अपना कैंप वैम पूरा मतलब समेट लिया है। और भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मुझे निकलना है इधर से बादामी के लिए। तो गाइस यहाँ से बादामी है 20 किलोमीटर। तो चलो निकलते हैं, इधर से बादामी पहुँचते हैं, उसके बाद उधर पर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो गाइस बने रहो ब्लॉग में। तो भाई साहब अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है गाइस बादामी के लिए। बादामी में भाई साहब एक बहुत ही पुराना किला है गाइस, और उधर पे एक टेम्पल भी है। तो अभी चलते हैं उधर पे। और भाई साहब यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा मेरे को समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रात को मतलब जब मैं कैंप लगाया था तो मतलब एक अंकल आए थे, तो मतलब कुछ बोल रहे थे बट लैंग्वेज मेरे को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है अभी। अभी तो गाइस चेन्नई जाना बाकी है यार, चेन्नई में तो और भी दिक्कत आएंगी। लेकिन गाइस कोई नहीं, चलो चलते हैं। और भाई साहब ये है कुछ सुबह का नज़ारा, और ये है यहाँ की खेती। गाइस यहाँ के खेतों में मतलब पानी भाई साहब ऐसा वो बनाया रहता है, क्या बोलते हैं, नाला बनाया रहता है गाइस। वो नाले के द्वारा पानी लेके जाते हैं। और भाई साहब यहाँ की मतलब अभी भी जो मतलब हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, वही वाला सीन है थोड़ा बहुत। तो गाइस चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो गाइस यार सुबह की पहली लिफ्ट मिल चुकी है भाई साहब बादामी तक की। अभी तक मिल नहीं रही थी लिफ्ट, ये देखो भाई ने मुझे लिफ्ट दे दिया है गाइस। चलो डायरेक्ट बादामी चलते हैं भाई साहब उधर, उसके बाद आपको घुमाते हैं बादामी में। सफर कैसा है ये सफर। तो गाइस यार वेलकम टू बादामी। भाई साहब ये है बादामी का एक चौक। और गाइस यार अभी हम लोग चलते हैं, हमको सीधा चलना है। तो भाई साहब मैं पहले साइड में हो जाता हूँ, उसके बाद फिर इधर से निकलते हैं गाइस। चलो अभी देखो मतलब आगे से रास्ता है, फिर चलते हैं फिलहाल। तो गाइस यार जो भाई साहब हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, वो मेरे को यहाँ पे कुछ कुछ दिखाया गाइस। क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था तो उधर पे भाई साहब हल से खेती हो रही थी गाइस। और अभी फ़िलहाल मैं इधर बादामी के इधर सब भाई साहब तब उसमें कन्नड़ में लिखा है ना, इसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं बादामी में हूँ। और गाइस चलो आपको लेके चलते हैं जहाँ पे मेरे को जाना है, किले पे, उसके बाद उधर पे घुमाते हैं। तो गाइस यार ये है यहाँ पे अंबेडकर सर्कल। और भाई साहब यहाँ से मेरे को जाना है अंदर। तो गाइस चलो चलते हैं अंदर किले की तरफ। और गाइस ये है मतलब यहाँ का अंबेडकर सर्कल, इधर से ही मेरे को जाना है। तो चलो अंदर ये जाता है रास्ता सीधा किले की तरफ। तो चलो भाई साहब चलते हैं और देखते हैं फिलहाल अंदर क्या है क्या नहीं है। और ये है गाइस यहाँ की बस्ती, छोटी बस्ती, यहाँ पे लोग रहते हैं काफ़ी। तो भाई साहब गांव में एंटर करते हुए देखो इतना बड़ा चट्टान दिख गया हमको। और भाई साहब यहाँ पे हैं कुछ सुअर, कहने में भी अजीब लग रहा है गाइस इन लोगों को पिग बोलने में। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग मतलब कुछ पिग हैं, और ये बड़ा सा चट्टान। और यहाँ से हमको चलना है सीधा भाई साहब ऊपर, दिख रहा है हमको पहाड़ और उस ऊपर है किला। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस यार हम लोग भाई साहब कैब्स में इंटर कर चुके हैं किले के अंदर। और ये देखो भाई साहब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो। तो चलो गाइस चलते हैं किले के अंदर भाई साहब। और ये लगता है यहाँ पर टिकट भी लगता है भाई। चलो देखते हैं गाइस, ये है यहाँ के कुछ बाहर का नज़ारा। और फिर चलते देखते टिकट लगता है तो टिकट लेते हैं गाइस, उसके बाद निकलते। तो भाई साहब अगर आप बादामी घूमने के लिए आते हो गाइस तो 25 रुपये टिकट है यहाँ के। और गाइस अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा का अलग मतलब 25 रुपये टिकट है। और भाई साहब ये है यहाँ का मतलब जो मतलब एंटर करते हैं, ये यहाँ का कुछ नज़ारा है, चलो आपको अंदर से दिखाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है गाइस, अगर आप लोग मतलब ये देखो कन्नड़ में लिखा हुआ है, ये हिंदी में, और ये गाइस इंग्लिश में। तो भाई साहब अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। और भाई साहब जैसे ही एंट्री करते हो ये है एंट्री गेट। और गाइस एंट्री तो उधर से है बट टिकट लेना पड़ता है उधर से, और एंट्री इधर से करना पड़ता है। तो गाइस एंट्री जैसे ही करते हो आपको फर्स्ट गुफा मिल जाएगी गाइस। और यहाँ की मैं थोड़ा चित्रकारी दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस। ये देखो भाई साहब काफ़ी पुरानी पुरानी मतलब मूर्तियाँ बनाई गई हैं इधर पे। गाइस अगर आप लोग पहचानते हो तो कमेंट में बताना। भाई साहब ये देखो ये यहाँ का कुछ नज़ारा। और ये तो सभी लोग जानते होंगे गाइस नंदी, इसका सर टूट गया है। और ये अंदर का कुछ इंटीरियर।
और गाइज ये है यहाँ का कुछ नज़ारा, मैं आपको इधर अंदर लेके चलता हूँ भाई। यहाँ पे देखो गाइज काफ़ी मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट गाइज ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, अंदर इसके मतलब पूरा खड्डा भी है। ये देखो भाई साहब इतने बड़े बड़े पहाड़ और पूरा मतलब ऐसा चट्टानों की तरह खाली भी हैं। गाइज ये देखो कहीं ऊपर गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो चलो भाई साहब चलते हैं ऊपर। ये देखो गाइस कैसा रखा हुआ है पूरा। चलो भाई और ऊपर चलते हैं। गाइस काफ़ी बड़े बड़े चट्टान हैं। गाइस यार देख सकते हो आप लोग, और ये भाई साहब यहाँ का दूसरा मतलब एरिया है भाई साहब। ये है गाइस सेकंड गुफा, और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी मतलब खतरनाक खतरनाक चित्र बनाया गया है। ये देखो गाइस ये मतलब जो पहचानते होंगे, ये भाई साहब मैंने पूछा, ये है नरसिंह। नरसिंह को तो आप हर कोई जानता होगा, और गाइस ये मेरे को पता नहीं ये कौन है, और भाई साहब वो भी मेरे को नहीं पते मतलब नहीं पता कि मतलब वो कौन है। लेकिन गाइस ये मैं थोड़ा देखने में भी लग रहे हैं नरसिंह की तरह। और गाइस यार देखो मतलब अगर चित्रकारी किया गया होगा भाई साहब तो कितने दिन लगे होंगे और कितने टाइम लगे होंगे और किस तरह से किया गया होगा भाई साहब। इनके मतलब हर जगह पर मतलब फूल बनाया गया है और एकदम सेम टू सेम मतलब चित्र भी बनाया गया है। तो गाइस यार सोचो आप लोग कितने दिन लगे होंगे। और भाई साहब वो ऊपर जरा देख रहे हो ना आप लोग, वो भी मतलब चित्र बनाए गए हैं गाइस। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कैसे मतलब बनाया गया है ये गाइस। यहाँ पे मतलब भाई साहब देखने के लिए ना विदेश से भी लोग आते हैं। अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, विदेश से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और गाइस ये देखो ये है कुछ अंदर का एरिया यहाँ पे भाई साहब। ये मतलब देखो खंभे में भाई साहब मतलब इधर पिल्लर में गाइस चित्र बनाया गया है, वो भी दो दो तीन तीन कैसे कैसे बनाया गया है वो तो मैं खुद नहीं जानता, बट गाइस जैसे भी बनाया गया है ना काफ़ी मतलब काफ़ी सफाई से बनाया गया है गाइस। और ये जरा ऊपर देखो भाई, इधर भी चित्र बनाया गया है। ये देखो जिसने भी बनाया है काफ़ी मतलब मेहनत से बनाया होगा। और भाई साहब आप लोग देख सकते हो यार इधर मतलब क्या मैं बोलूं भाई, काफ़ी मतलब खतरनाक मतलब कारीगरी की गई है गाइस। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही सब देखने के लिए आते हैं गाइस, यहाँ का जो चित्रकला है ना। ये देखो भाई साहब ये कौन से वो हैं मेरे को मतलब खुद नहीं पता, बट गाइस जो मतलब पहचानते होंगे वो पहचान जाएंगे कौन कौन से मतलब देवता हैं। और गाइस ये है यहाँ के कुछ चित्रकारी गाइस, ज़्यादातर लोग ये चित्रकारी देखने के लिए आते हैं भाई साहब। और मैं आपको बता दूं कि मतलब है अगर आप इंडियन हो तो इंडियन के मतलब टिकट के पैसे 25 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप विदेशी हो तो भाई साहब विदेशी के मतलब 100 रुपये लगते हैं। और गाइस यही सेम चीज़ मैं गोवा में देखा था, गोवा में एक सरकारी हॉस्पिटल था तो उधर का भाई साहब चार्ज मतलब इंडियन आदमी के लिए 100 रुपया फीस था और विदेशी के लिए 200 रुपया फीस था। तो गाइस ये है यहाँ का कुछ मतलब नज़ारा, और लेके चलते हैं अभी आपको और घुमाते हैं भाई। गाइस यार ये वाला सीन देख लो आप लोग, उफ भाई साहब ये देखो गाइस काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और भाई साहब ये जरा नज़ारा देख लो, इतने साफ पत्थर है ना, और पूरा ये देखो अंदर से गाइस अगर गिर गया भाई साहब। ये देखो बीच बीच में जगह भी है और ऊपर तो पूरा जगह ही जगह है, ऐसा पूरा लगता है अलग अलग पत्थर है। और गाइज ये सेम टू सेम प्राकृतिक का है, प्राकृतिक का है। ये देखो भाई साहब कितना छोटा सा वो बनाया हुआ है चित्र। तो चलो गाइज आपको और ऊपर लेके चलते हैं, और भाई साहब मैं यहाँ से आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ का काफ़ी प्यारा दिख रहा है। गाइज यार यहाँ पे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं, अगर कैमरा छीन लिए तो गाइज काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखो भाई साहब, और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गाइज ये देखो पूरा पत्थर को तोड़ तोड़ के पहाड़ को तोड़ तोड़ के अंदर से पूरा बनाया गया है। मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ गाइज। ये देखो यहाँ की हिस्ट्री मेरे को नहीं पता, बट अभी मैं पूछ के बताता हूँ गाइज। ये देखो आप यहीं के नहीं यूपी यूपी। और भाई साहब यहाँ की कुछ मतलब कलाकारी देख सकते हो, सिक्स सेंचुरी कितना पुराना हो गया।
भाई साहब इतना पुराना है ना ये, इतना पुराना है कि गाइस आप लोग देख सकते हो हर जगह ये ऐसा ऐसा करके बनाया हुआ है। और भाई साहब ये है यहाँ के कुछ बाहर का नज़ारा, पूरा पहाड़ को तोड़ तोड़ के, भाई साहब डिज़ाइनिंग किया हुआ है। इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा पहाड़ को तोड़ तोड़ के कैसा, मतलब ये चित्रकारी की गई है, ज़रा देख सकते हो आप लोग। देखो भाई यहाँ पे गाइस काफ़ी मतलब विदेश के भी लोग आते हैं, देखो यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है गाइस एक और गुफा, ये है भाई साहब एक और गुफा। यहाँ पे गाइस अगर आप घूमने के लिए आते हो तो भाई साहब यहाँ पे आपको ना चार गुफाएं देखने को मिलेगी, तीन तो मतलब मैंने पूछा एक लोकल आदमी से। अगर गाइस यहाँ पे आपको घूमना है तो गाइड करना पड़ेगा किसी को, मतलब एक आदमी रहता है भाई साहब जो आपको गाइड करेगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा। बट मैंने एक लोकल आदमी से पूछा तो भाई साहब यहाँ पे मतलब चार गुफाएं हैं जो कि मतलब तीन भाई साहब मतलब, और ये गुफाएं गाइस छठी शताब्दी में मतलब बनी हुई हैं भाई साहब, काफ़ी पुरानी है। और भाई साहब ये गुफाओं में, तीन गुफाओं में गाइस हिंदू मतलब देवी देवताओं का मतलब चित्र किया गया, और एक जैन धर्म का है भाई साहब, तो ये मतलब काफ़ी माना जाना है। और गाइस यहाँ की जो गुफाएं हैं ना भाई साहब वो ज़्यादा इसकी वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ की जो चित्रकारी है ना गाइस काफ़ी मतलब एकदम मतलब बारीक तरीके से की गई है। और भाई साहब ये देखो बंदर अगर मेरा कैमरा लेके भाग गया तो गाइस काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और भाई यहाँ के पहाड़ देख सकते हो कैसा, मतलब पूरा चट्टान चट्टान दिख रहा है एकदम, पहाड़ ऐसे ही दिखते हैं। बट गाइस ये कुछ अलग है, ये मतलब देखो ऐसा बीच में कटा हुआ है और इधर बढ़ा हुआ है, और भाई साहब बीच में पूरा ऐसा फटा हुआ भी है, काफ़ी डेंजर दिख रहा है गाइस। गाइज यार ये है भाई साहब किले के ऊपर जाने का रास्ता, गाइज वहाँ ऊपर जाने का ऊपर क्योंकि और भी कुछ है देखने के लिए, बट गाइज ये बंद है फिलहाल, इधर से जा नहीं सकते। भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देता हूँ, गाइज इधर की सीढ़ियाँ इतनी खड़ी है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ सकता है। और ये है गाइज यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, बट गाइज ये बंद है भाई साहब। ये देखो ऊपर भाई साहब काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, और ये देखो पूरा पहाड़ कैसा ऐसा झुका हुआ है। तो मैं लेके चलता हूँ और आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक पेड़ है भाई साहब, यहाँ से उतरने में काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी ज़्यादा खड़ी सीढ़ी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाइस पेड़ को देखो ज़रा कैसा पूरा छाया बनाया हुआ है, और ये भाई साहब लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर, इधर नीचे मिट्टी होगी बट ये पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है गाइस। गाइज यार ये नज़ारा देख सकते हो आप लोग, भाई साहब इतना ख़तरनाक बना है ना ये भाई साहब, एकदम फुल नेचर का है। ये देख लो आप लोग कैसा टिका हुआ है गाइस, और ये है एक साइड का, ये है एक साइड का, ये है। और गाइस बंदर को देखो कहाँ पे बैठा हुआ है, और भाई साहब ये है नीचे का नज़ारा। और गाइस इधर से ये देखो ऐसा कुछ लगता है, ये गुफा भाई साहब। तो गाइस यार यहाँ पे देखो भाई साहब टॉयलेट भी बनाया हुआ है, ये गाइस बहुत अच्छा काम है, मतलब कि अगर कोई घूमने के लिए आता है अगर उसको मतलब ज़रूरत है तो वो जाके लौट सकता है। और भाई साहब मैं अभी आपको एक और प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये भाई साहब मैं चल रहा हूँ और आपको घुमाने के लिए। ये देखो भाई साहब ये यहाँ पर है एक प्यारी सी मस्जिद गाइस, जस्ट इसके बाजू में ये है भाई साहब ऊपर का पूरा मतलब किला, गुफा है अंदर चार, और ये भाई साहब उसके बाजू में जस्ट प्यारी सी मस्जिद, और उधर भी मतलब है मंदिर है। तो चलो मैं उधर आपको लेके चलता हूँ, पहले गाइस ये घाट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, इधर पे एक घाट है। और गाइस यार यहाँ का जो टाइमिंग है ना वो भाई साहब सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है गाइस, ज़्यादातर टाइमिंग यही होता है। बट क्या है ना कोई मतलब कई जगह रहता है जहाँ लास्ट 7 बजे तक 8 बजे तक रहता है, उसके पहले ये सब जो मतलब रहता है बंद हो जाता है गाइस, हर जगह का यही नियम है। तो चलो मैं आपको घाट दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये रहा घाट, और गाइस ये घाट देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई साहब। यहाँ पे देखो कुछ लोग कपड़े भी धुल रहे हैं, ये है यहाँ का घाट, ये देखो गाइस। और भाई साहब यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखो गाइस मछली सब अंदर चली गई, और अलग अलग तरह की मछली दिख रही है भाई मेरे को। ये है गाइस यहाँ का प्यारा सा घाट।
तो भाई साहब मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस, यहां तो आपने घूम लिया है भाई साहब, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि गाइस कल का भी कुछ मतलब तो वीडियो था जो मतलब इसमें है। और गाइस यार वो साइड का मतलब वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ और गाइस प्लेलिस्ट को मतलब देखो, सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट। और भाई साहब यहाँ देखो काफ़ी लोग घूमने के लिए आते रहते हैं भाई साहब, तो काफ़ी अच्छी जगह घूमने के लिए। तो गाइस यार सेकंड पार्ट मत भूलना। और गाइस चलो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।